हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे, कम ऑन, क्यों उल्टे पुल्टे हो रहे हो तुम लोग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होगे, अच्छे होगे, मज़े में होगे और पॉजिटिव फील कर रहे होगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट की लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस स्टडी में हम देखेंगे आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए, वो क्या कुछ सोच रहे, क्या कुछ फील कर रहे हैं। एकदम हैप्पी रहे, पॉजिटिव रहे, थीटा पिटा ना दे, जेंडर स्पेसिफिक नहीं होता है और कलेक्टिव की एनर्जीज होती है। तो हर एक बात आपके साथ रेजोनेट नहीं कर सकती। जो रेजोनेट होता है उसे रखिए, जो नहीं होता उसे इग्नोर कर दीजिए। अगर आप वो सालों से महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं आपके पार्टनर के एक्शन का और एक्शन नहीं आ रहा है, डेफिनेटली इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करने, ठीक है। तो आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स, बॉटम में द मायसर का कार्ड है। आपके पार्टनर शौली कैंसर स्कॉर्पियो पाइसिस कर पुष्टिक मेन राशि टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि के हो सकते हैं। नंबर 4, 1, 3, 2, 21 आपके आपके पार्टनर के बर्थडे में हो सकते हैं। द मायसर का कार्ड बॉटम में जो यही शो करता है कि करंट में आप दोनों के इमोशंस एक दूसरे के लिए ट्रू है, सच्चे है, दिल बहुत कर रहा है दोनों का एक दूसरे से बात करने का, लेकिन दोनों ही खफा हो, गुस्सा हो एक दूसरे से, नहीं खुद होकर बात करना चाहते क्योंकि उनको भी यही लगता है कि कुछ फ़ायदा नहीं है। मैं कितना भी उसको बोलने की कोशिश करूँ, आप तो इनके और नहीं देख रहे हो, आप अपनी ज़िंदगी में जैसे कि बहुत ज़्यादा खुश हो इनके बिना। और आपका भी यही लग रहा है, आप इनको अगर देख रहे हो इनकी ज़िंदगी में कहीं पे का मतलब कि आप इनकी ज़िंदगी में इनको हैप्पी देख पा रहे हो, जिस वजह से आप भी इनसे अपनी फीलिंग्स हाइड करना चाहते हो, नहीं कुछ बताना चाहते। बहुत गुस्सा आता है आपको आपके पार्टनर के ऊपर, जो कि वो आपके अलावा पूरी दुनिया को बहुत वैल्यू देते हैं। आपको ऐसा दिखाते तो है कि इनकी ज़िंदगी में आप बहुत इम्पॉर्टेंट हो, आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपके लिए जान भी दे सकते हैं, ऐसा दिखाते हैं या दिखाते थे, लेकिन जो कि ट्रस्ट तोड़ा है इन्होंने आपका। करंट में यही सोच रहे हैं कि आपका ट्रस्ट तोड़ के आपके जो मतलब कि आपको करंट में यही सोच रहे जो इन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, आपको धोखा दिया है, तो इसी वजह से जो कि इनकी ज़िंदगी में इनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। आपके पार्टनर के मेंटालिटी करंट में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स इनके माइंड में आ रहे हैं। इनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इनकी ज़िंदगी में ये जो नेगेटिविटी है आखिर ये इतनी क्यों बढ़ती जा रही है, जब तो मैं तो इतना पॉजिटिव हूँ अपनी ज़िंदगी को लेके। बहुत सारे सपने इनको अपनी ज़िंदगी को प्रैक्टिकल लाइफ इनको बहुत अच्छे बनाने हैं अपने, उसके ऊपर फोकस्ड है, लेकिन फिर भी जो कि एफर्ट्स होता है ना, एफर्ट्स लगाना है, मेहनत करनी है, दिल से कुछ करना होता है इंसान को, जिसके लिए मोटिवेशन होता है, जिसके लिए मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, एक अलग एनर्जी होती है इंसान के अंदर, वो एनर्जीज इनके अंदर से मिसिंग है। एफर्ट्स लगाने की इच्छा तो है, बड़े बड़े सपने भी हैं सब कुछ करने के, लेकिन मोटिवेशन ही नहीं है, एनर्जीज ही नहीं है बॉडी में, तो करेंगे क्या। इस तरह से एनर्जी निकल के आ रही है। ट्रैवलिंग का कार्ड यहाँ पर, डेफिनेटली कहीं पे गए हैं या तो बहुत जल्द जाने वाले हैं। अगर इनका जॉब मतलब इनका कहीं पर ट्रांसफ़र होता है तो इनका कहीं पर ट्रांसफ़र होते हुए दिखाई दे रहा है, या तो आपके कंट्री में, आपकी सिटी में आने की इनकी प्लानिंग करंट में चल रहे हैं। द लवर्स का कार्ड, इनको आपका अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है करंट में, दिल से आपको मतलब तड़प रहे देखने के लिए, आपको लेकर सपने देख रहे, विजुअलाइजेशन करंट में बहुत ज़्यादा चल रहा है, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया का कार्ड यही शो करता है कि नेगेटिव थॉट्स से आपके पार्टनर परेशान हो चुके हैं, नेगेटिविटी इनको लग रहा है। मतलब अगर ये पॉजिटिव होकर कुछ करने का ट्राई भी करते हैं ना, दूसरे ही पल इनके माइंड में सबसे भयंकर थॉट आ जाता है, जिससे कि पूरी ज़िंदगी उद्ध्वस्त हो सकती है, पूरी ज़िंदगी ख़राब हो सकती है। इस तरह से मतलब कि अगर इनको कहीं से पॉजिटिव एनर्जी मिल रही, कि अगर ये कहीं पे पैसों के लिए अप्लाई कर रहे हैं या तो सामने से कोई मदद की उम्मीद कर रहे हैं, तो इनका दिल तो कहता है कि यस इनको मदद मिलेगी या तो इनका पैसों का लेके काम होने वाला है, लेकिन दूसरे ही पल ऐसा लगता है कि नहीं होगा, मुझे पता है ऐसा ही, मेरे साथ तो हमेशा यही होता है, कभी अच्छा हो ही नहीं सकता। मतलब कि होने वाला काम भी इनके नेगेटिव थॉट्स की वजह से नहीं हो रहा है इनके साथ, और जिसकी वजह से इनकी मेंटालिटी और ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही है। सबका जो भी इनकी ज़िंदगी में करंट में चल रहा है, इसका कनेक्शन बेस सिर्फ और सिर्फ आपके साथ जुड़ा हुआ है। कंप्लीशन का कार्ड है यहाँ पे, जब तक इनको ये अच्छे से फील हो रहा है
जब तक कि आपके साथ इस रिश्ते में कंप्लीशन नहीं लाएंगे, जब तक कि आप इनकी ज़िंदगी में एंटर नहीं करोगे, तब तक इनकी ये मेंटेलिटी ऐसे ही रहेगी। तब तक ना तो ये मोटिवेटेड फील कर पाएंगे, ना तो इनमें एनर्जीज आएगी कुछ भी करने की, और हमेशा इनके काम जो कि अटके पड़े रहेंगे। तो सोर्स का कार्ड है यहाँ पर, डेफिनेटली रास्ता तलाश रहे, तो कोई रास्ता कोई हिंट इनको ऐसे मिले और जो कि ये इस रिलेशनशिप में बैलेंस कैसे करें, मतलब कोई रास्ता तो चाहिए जिससे कि इस रिश्ते को फिर से स्टार्ट कर सके, आपको बना सके और इस रिश्ते का रीबर्थ हो सके। आपके पार्टनर कंप्लीट चेंज हो चुके हैं। अगर आप इनको पहले बहुत ज़्यादा रूड देख पाते थे, अभी इनके हालात ऐसे हैं ना, अगर ये आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं, आप इनके फेस को देख के ही सब कुछ भूल जाओगे। मतलब कि ना तो आपका झगड़ा करने का दिल करेगा, ना तो इनको कुछ बोलने का दिल करेगा, आपको बस ये दिखाई देगा इनकी आँखों में पछतावा। इन्होंने अपनी गलती फाइंड आउट कर ली है, इनको ये पता चल चुका है कि इस रिश्ते में जो भी हुआ है, जो भी गलत हुआ है, अच्छा हुआ है, इन्होंने आपको धोखा दिया, कुछ और अच्छा फाइंड आउट करने की कोशिश की, कुछ और पाने के लिए आपको छोड़ा। इन सब में जो भी हुआ है, जो इनके साथ गलत हुआ है, जो आपके साथ गलत हुआ है, वजह सिर्फ ये है। इनको अच्छे से पता चल चुका है कि गलती आपकी नहीं है, कि आप इनकी ज़िंदगी में नहीं हो, इसकी वजह भी ये खुद है। आप इनको छोड़ के नहीं गए थे, ये आपको छोड़ के गए थे। तो अपनी ज़िंदगी से पॉजिटिविटी इन्होंने फेंक दी है निकाल के, अपना मोटिवेशन इन्होंने खुद ख़राब कर दिया है, और जिस वजह से अपनी ज़िंदगी में इतनी नेगेटिविटी अट्रैक्ट कर ली है। आपके पर्सन बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं करंट में, आपको लेके बहुत ज़्यादा, सिर्फ दो कार्ड आपको लेके आए हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपके साथ इनको कंप्लीशन चाहिए, और जिस कंप्लीशन को लाने के लिए वो हर एक एफर्ट्स लगाने के लिए करंट में रेडी है। कोई रास्ता तलाश रहे है, किसी से हेल्प ले रहे हैं, किसी को पूछ रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में करंट में क्या चल रहा है, क्या इनके लिए जगह है आपकी ज़िंदगी में, ऐसी कुछ बातचीत करंट में किसी से करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, हम देखते हैं इस वक्त आपके लिए एंजल्स क्या बोल रहे हैं। एंजल्स की तरफ से मैसेज चेक करते हैं। टू मैसेज जेनियर्स, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, इस वक्त मेरे यूवर्स के लिए क्या गाइडेंस है, ऐसी सिचुएशन में मेरे यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है, ऐसी सिचुएशन में मेरे यूवर्स को क्या करने की ज़रूरत है। रोमांस, यस डेफिनेटली, अगर आप इस वक्त पॉजिटिव रहते हो आपके पार्टनर को लेके, यहाँ पे भी फॉरगिवनेस का कार्ड ही आया है। इनको अच्छे से पता है इनकी ज़िंदगी में ये जो गलत बातें हो रही है ना, आप इनको नहीं माफ़ कर पाते हो, इसी वजह से सब कुछ हो रहा है। यस, आप दिल से तो नहीं चाहोगे इनको माफ़ करना, क्योंकि कोई भी ऐसी गलतियाँ माफ़ नहीं कर पाता, तो आप क्यों करो, राइट? लेकिन यूनिवर्स यही चाहते कि अगर आप में कॉन्फिडेंस है अपने इस रिश्ते को फिर से दोबारा से रिवर्थ करने का, तो भले आपकी इच्छा नहीं हो, लेकिन आपको इनको माफ़ करके इनके साथ आगे बढ़ना होगा। इनकी बात सुनकर अगर आप ऐसा कर पाते हो, यहाँ पे यस का कार्ड आया है, रोमांस आपकी लाइफ में डेफिनेटली बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। आपको कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, ठीक है? अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हो तो शायद ये रिश्ता कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। आपको अच्छे से पता है आपको क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना है, आपको अच्छे से पता है कि आपको किस बात का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो अगर आप कॉम्प्रोमाइज़ के लिए रेडी हो तो यस, यूनिवर्स आपको बता रहे कि आपकी ज़िंदगी में रोमांस भी आएगा और सब कुछ पॉजिटिव होगा जो आप सोच रहे हो। करंट में आपको अपनी हेल्थ के ऊपर भी फोकस करने की ज़रूरत है। हो सकता है आपके पार्टनर की जो एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज, जो सैड एनर्जीज है, जो कि एकदम इनकी बॉडी में कुछ भी ताकत नहीं है कुछ भी करने के लिए, तो आप तो सोलमेट सोट पिंग फ्लेम हो, तो इनके एनर्जीज को आप भी महसूस कर पाते हो। तो हो सकता है कि इस वक्त आपकी भी हेल्थ ख़राब हो, तो यूनिवर्स आपको यही बता रहे करंट में कि आपको भी अपने हेल्थ के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। कभी भी हेल्थ को इग्नोर नहीं करना चाहिए, ठीक है? तो एंजल्स की तरफ से आपके लिए मैसेजेस थे। तो अगर रीडिंग रेजोनेट है, वीडियो को लाइक करना ना भूले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कॉल कैसे बुक करना है, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय। The combination of pyrite and black obsidian in a bracelet can offer several potential benefits. Here are some of the properties associated with each stone. Pyrite is associated with attracting wealth and abundance. It is believed to help manifest financial success and opportunities. Black obsidian is a powerful grounding stone that helps connect you to the earth's energy.